यूपी स्मार्टफोन टैबलेट को लेकर बड़ा अपडेट, जो भी वितरण हो रहा था, जो हमने डेट बताई थी कि सितंबर में 22 को 20 को 23 को डिस्ट्रीब्यूशन होना है कुछ महाविद्यालय में, उन सब पर रोक लग गया है। यानी कि यूपी स्मार्टफोन टैबलेट डिवाइस जो वितरण हो रहा था उस पर रोक लग गया है। अब कब मिलेगा यूपी फ्री गवर्नमेंट जो मोबाइल फ़ोन स्मार्टफोन आप लोगों को मिल रहे थे, क्या वो अब नहीं मिलेंगे और क्यों रोक लग गई, क्या रीज़न है? पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं हूं लोकुश और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लोकुश यादव ब्लॉग्स। सबसे पहले आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो भी फ्री टैबलेट स्मार्टफोन आपको वितरण किया जा रहा था, सभी बच्चों को मिलना था, फर्स्ट ईयर को भी मिलना शुरू हो गया था, फाइनल को मिल ही रहा था जिनका छूट गया था, रोक क्यों लगी है? रोक इसलिए लगी है कि जो डुप्लीकेसी आ रही थी, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन में दिक्कत आ रही थी, किसी का डिवाइस किसी दूसरे को दे दिया जा रहा था, कोई डिवाइस लेने नहीं आ रहा था तो उसका डिवाइस कोई और रख ले रहा था, इन सब चीज़ों को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने सख्त कर दिया है निर्देश। अब वो कहे हैं, गवर्नमेंट कह रही है, यानी कि डीजी शक्ति का पोर्टल से ऑफिशियल नोटिस आया है कि जो भी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है यूपी स्मार्टफोन टैबलेट जो भी आपको मिल रहा है मोबाइल फ़ोन, वो अब नहीं मिलेगा कुछ दिनों तक। कब तक? रोक क्यों लगी है? रोक इसलिए लगी है कि जब तक आप आधार EKYC नहीं करा लेंगे आप अपना, तब तक आपको नहीं मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको आधार EKYC कराना है, तभी मोबाइल फ़ोन स्मार्टफोन टैबलेट डिवाइस आपको मिलेगा। आप आधार की KYC कैसे करवाना है, ऑलरेडी वीडियो बना है चैनल पर, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। और आपको बता दें कि EKYC करने के लिए आप अपने नज़दीकी जनसुविधा केंद्र पर जाकर भी आप करा सकते हैं, डीजी शक्ति पोर्टल पर होता है, आप अपना स्वयं से मोबाइल से भी कर सकते हैं। ट्यूटोरियल देखकर आप अपना ऑनलाइन कर लीजिए और अपने महाविद्यालय में संपर्क कर लीजिए कि अब जो रोक लगी है उसके बाद कब वितरण होगा, कैसे प्रोसेस करना है, वेरीफाई करके महाविद्यालय में जमा करना आवश्यक है। और पूरी अपडेट समय पर चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब किए रहिए, अगर आप नए हैं तो, पहली बार देख रहे हैं तो, और अगर दोबारा से देख रहे हैं तो बेल आइकन प्रेस किए रहिए कि समय समय पर आपको वीडियो मिलते रहे। फिर मिलेंगे आपको हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।